आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरे वाले साहब मेरे सामने मेरी वालदा को मारते हैं, मैं 18 साल का हूँ, शरीयत मुझे क्या कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने वाले साहब को रोक सकता हूँ? भाई माँ बीवी पे हाथ उठाना और ख़ासतौर पर बच्चों के सामने, ये तो बहुत ही नाज़ेबा हरकत है। बाकी आप पूरी डिटेल बताएं, क्या वजह क्या है, हाथ क्यों उठाते हैं, वालदा क्या कर रही होती हैं जो हाथ उठाते हैं? नॉर्मली तो ये बहुत ही बुरा अमल है, लेकिन बाज़ दफ़ा बीवी ऐसी हरकत कर रही होती है कि शोहर के पास या तो तलाक का ऑप्शन होता है या हाथ उठाने का ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन होता नहीं है मर्द के पास। मिसाल के तौर पर वो शोहर के माँ बाप को गालियाँ दे रही है, या वो और कोई ऐसा संगीन नौयत का जुर्म कर रही है कि शोहर को पता है या मैं सख्ती करके रोकूंगा या मैं तलाक दूंगा। तो फिर वो घर बचाने के लिए वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है कि भाई डिवोर्स में भी बड़े नुकसान आते हैं, बच्चे हाथ से चले जाएंगे और आगे बड़े मसाइल होते हैं। तो सिर्फ इतनी बात पे मैं कोई फतवा नहीं दे सकता कि हाथ उठाते हैं। नॉर्मली ये अमल बुरा अमल है, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपनी किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन स्पेसिफिक किसी ख़ास शख्स के बारे में फतवा देने से पहले या मशवरा देने से पहले, जब तक दोनों की डिटेल सामने ना आ जाए, उस वक्त तक कोई राय दी नहीं जा सकती।